नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अजरबैजान के बारे में। ये आपको इस तरह का वीजा किस किस को लोगों को मिला भैया, आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। इसी तरीके का अजरबैजान का वीजा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, रोज मेरे पास दो चार डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। वो एक अलग बात है कि आप 500 रुपए खर्च नहीं कर पाते, इसलिए मेरे से बात नहीं हो पाती। वो आप मैसेज इसलिए करते हैं कि सर एजेंट को 50,000 दे दूंगा, एजेंट को 30,000 दे दूंगा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए फ्री में। चलो उसको छोड़िए, ये देख सकते हैं अजरबैजान का ये वीजा है, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। सिंगल एंट्री वीजा है, विजिट वीजा साफ साफ लिखा है, रिक्वायर्ड फॉर पर्पज फॉर विजिट टूरिज्म का है। 30 दिन आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। इस वीजा की अगर प्राइस की बात करें तो ये वीजा आपको 1700-2000 के अंदर मिल जाएगा, नो डाउट। इसी वीजा के अंदर पूरी डिटेल दी गई है। अब ये बंदे ने मुझे डॉक्यूमेंट डाला, बोला सर ऑफर लेटर तो हमें नहीं दिया, पेकिंग की जॉब में सैलरी बताई है 1500 अजरबैजान की जो सैलरी होती है वो। जी हाँ, अब उसको अगर कैलकुलेट करें 48 का भाव चल रहा है इंडियन, वहां की एक रुपया यानी वहां की जो करेंसी है वो वहां यहाँ 48 का भाव है, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा बन जाता है। तो इसके हिसाब से तो अच्छी खासी तनख्वाह इसमें यहाँ पे मिल जाती है, लाख के प्लस वो तनख्वाह बन जाती है। अब ये बात हो गई उनकी तरफ से, अब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनको सब कुछ बताया, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अजरबैजान की मिनिमम सैलरी है जनवरी 2022 के अनुसार 250 से 300 अजरबैजान की। जी हाँ, अजरबैजान की जिसको सैलरी बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना पैसा बनता है। 48 के भाव से भी कैलकुलेट करें तो 14-15 हजार रुपए बनते हैं अजरबैजान की तनखा, जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, गूगल पे जाके भी देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो एक झूठ तो ये हो गया। दूसरा झूठ ये कि आपको विजिट वीजा पकड़ा दिया जाता है कि आपका वहां कंपनी वीजा कन्वर्ट कर देगी, तो आप स्क्रीन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल होता है। आपको ये नहीं है कि नहीं होता है, जैसे मलेशिया में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, और भी बहुत सारे देश हैं कि विजिट वर्क नहीं होता, समझ गए। लेकिन और लेकिन यहां पे होता है, लेकिन बहुत रियल चांस में, बहुत कम चांस में ऐसी मुसीबत के समय कंपनी अगर करते तो करते, बाकी कोई चांसेस नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो एजेंट आपको ये विजिट वीजा पकड़ा रहे ना, वो आपको फंसाए हैं। एक महीने में वीजा एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी वीजा लगाएगी नहीं, तो आपको पहली बात तो तनखा नहीं मिलेगी, दूसरी बात विजिट में जा क्यों रहे हैं, जब आप 60,000 दे रहे हैं यहाँ पे, 30,000 आपको यहाँ देना है, 30,000 आपको सैलरी से क्यों काट लेगी भाई, सैलरी सैलरी से कंपनी क्यों काट लेगी, कंपनी को कहां जरूरत है, कंपनी के अंदर तो पूरा पेमेंट देने देके आने वालों की लाइन लगी रहती है, तो वो आपका सैलरी से क्यों काटेगी, इसका कारण तो बताइए ना मुझे। आज तक कोई केस ऐसा हुआ मुझे तो मेरी नजरों में तो ऐसा केस नहीं है। अजरबैजान में मुश्किल से 15,000 के करीब इंडियन आदमी है, आप यकीन मानो 15,000 के करीब ही है, तो अजरबैजान के चक्कर में न आए, फायदे में रहोगे, वरना तो ये चेप देंगे एजेंट आपको। विजिट टू वर्क 99% नहीं होता, 1% आपकी चांसेस हैं, हो जाए तो हो जाए, वो भी कंपनी को सख्त जरूरत है कि ले भाई आपकी बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा, तो ही बन सकता है, बाकी कोई ऐसे चांसेस नहीं। अजरबैजान ये जो वीजा आपको 2000 का वीजा देके 60,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं, इससे बच ले आप, समझ गए। और एजेंट जो वो बेवकूफ बना रहे हैं वहां आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समझ गए ना। तो इसमें सावधानी बरतें, सब चीजें मैंने बता दी है, सैलरी कितनी मिलती है, विजिट वीजा में नॉट अलाउड है, इंडियन वर्कर वहां कितने काम करते हैं, सैलरी भी झूठ वो लोग बता देते हैं, तो सावधानी रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।